चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और नमूना आया सामने। कोरोना पीड़ित 60 वर्षीय अधेड़ रात से तड़पता रहा। बार बार फोन करने के बावजूद ना तो एम्बुलेंस पहुंची और ना ही कोई चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो पाई। अंत में थक हार कर परिजनों ने एसीसी फैक्ट्री टिकिरिया को फोन कर एम्बुलेंस भेजने का किया अनुरोध, जिस पर एसीसी ने एम्बुलेंस को तत्काल मदद के लिए भेजा, जिसकी सहायता से मरणासन्न अवस्था में अधेड़ को ले जाया गया अस्पताल। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अधेड़ को किए मृत घोषित। पीड़ित नागपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित अधेड़ अपनी पत्नी के साथ जनपद मुख्यालय गौरीगंज कस्बा स्थित पोस्ट ऑफिस गली में किराए के मकान में करते थे निवास। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। हमारा नाम मनसा राम है। ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये मैडम जिनके हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव पीड़ित हैं, वो मैडम हमारे यहाँ प्रिंसिपल हैं। तो मैडम का सुबह ही फोन आया था कि सर की तबीयत खराब हो गई है। इसके पहले उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था। जब हम लोग सुबह यहाँ पहुंचे तो मैडम ने कहा कि ये कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो हम लोग इनको कल ले जाके भर्ती कराना चाहे वहाँ पे असैदापुर में, लेकिन उन लोग भर्ती नहीं किए। अगर वो भर्ती करती होते तो शायद स्थिति ये ना होती, लेकिन उन लोग भर्ती नहीं किए, वापस कर दिए। और रात में इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और सुबह ज़्यादा खराब हो गई। मैडम ने हमको फ़ोन किया, हम आए, मैडम ने कहा कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। तो हम लोगों ने सबसे बात किया कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए और इनको ले जाके भर्ती कराया जाए। लगभग 1.5 घंटे हम लोग परेशान हुए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। फिर लास्ट में जो है इनकी कंपनी की गाड़ी देखे सामने, कंपनी की गाड़ी आई और उनको ले जाने का प्रबंध किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि कोई बच रहे हैं कि नहीं? मुझे तो लगता है कि बहुत सीरियस कंडीशन है। अब अस्पताल ले जाने के बाद ही